الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لائق صد احترام و تكريم برادران الاسلام گزشتہ چند جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ ساری کائنات انسان کی تخلیق کے لیے پیدا ہوئی، اس ساری کائنات میں اتنی تکمیل اور ان کا نظام اتنا مکمل ہے کہ ہر جگہ ایک معمولی سے معمولی مخلوق چیونٹی سے لے کر کے بڑی سی بڑی مخلوق کو دیکھا جائے تو ہر جگہ اللہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ اسی اثنا میں ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا۔ اس سارے موضوع کو یکجا کیا جائے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارے اس موضوع کی بڑی مطابقت ہے۔ وہ اس پہلو سے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کائنات کو مشاہدہ کر کے اس کو اللہ کے وجود پر بطور دلیل بھی پیش کیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اس کائنات کے راز بھی سمجھائے۔ اس کے نتیجے میں ابراہیم خلیل اللہ کے ایمان میں اور بہار آ گئی اور چمک آ گئی۔ اور پھر تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اسی کائنات کی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کیا، ان سے اس طرح استفادہ کیا کہ ان نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ذریعہ عروج اور ترقی بنا لیا اور ذریعہ سعادت بنا لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اسی نظر کو دیکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوض چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یاد میں جانور ذبح کیے، مگر یہ قربانی اس کا ان کی قربانی کی وجہ سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، ورنہ شب و روز جانور ذبح ہوتے ہیں، کہیں جانور ذبح ہونے کا قصائی گلی کو ہم کوئی افضل ترین جگہ نہیں قرار دے سکتے۔ اپنے آلودگی کے اعتبار سے تو اس کی ایک اور کیفیت الگ بات ہے۔ دنیا میں ہر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہوں گے، کسی جانور کے ذبح ہونے میں فی نفس کوئی شرف کی بات نہیں ہے،
मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी की याद में जानवर भी ज़बह हो तो अल्लाह फरमाता है इसकी जानवर की जो इजाफी आज़ा जो नाकाबले इस्तेमाल हैं, इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा, कि इस कुर्बानी के सिर्फ गोश्त को ही हम शुमार नहीं करेंगे बल्कि इसके खुरों को भी शुमार करेंगे और इसके बालों को भी नाम आमाल में हम तोल में रखेंगे। ये इसलिए था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी की अल्लाह कदर अफजाई फरमा रहा है। मगर ये कुर्बानी उस हवाले से उस कुर्बानी की नकल है, असल कुर्बानी तो इब्राहिम की कुछ और है। आज हम इसी मौजू को वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस कायनात के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। सबसे पहले तो उन्होंने इसी कायनात से अल्लाह की अजमत बयान की। जब चारों तरफ बुतपरस्ती है, चारों तरफ लोग असनाम के सामने झुक रहे हैं, अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुक रहे हैं, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मंत की दलील दी। और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब बाप ने कहा कि ये बुत ले जाके बेच करके आओ, उन्होंने क्या कहा, इद काल ने अभी या अबत लिमा बुत माला यस्मो वला युबसिरो वला युगनी अन का शैया। उन्होंने कहा अब्बा ये बताओ कि इनकी तुम क्यों पूजा करते हो जो न सुनते हैं न ये देखते हैं और न ये कोई काम आ सकते। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ये मंतिकी दलील दे रहे हैं। इसका जवाब बाप के पास कुछ नहीं है। बाप को बावर कराने की कोशिश की कि आदमी इबादत तो उससे करे, आबिद के लिए जरूरी है कि माबूद उससे अफसल हो। जिसके सामने आदमी पेशानी झुकाए वो जात पेशानी झुकाने वाली जात से अफसल होनी चाहिए। तुम कितने नामाकुल हो कि अपने हाथ से बुत बनाते हो, ना ये नफा देते हैं ये ना ये नुकसान देते हैं। तुम सुन सकते हो ये सुन नहीं सकते, तुम देख सकते हो ये देख नहीं सकते। तो सुनने वालों का न सुनने वालों के सामने सीधा रेज होना ये इंसानियत की तोहीन है, तजलील है। मगर ये बात भी उनको समझ में ना आई। अब फिर दोबारा जब मकालमो तो उन्होंने कहा अनदु मिन दुनिल्लाह माला यनफौना वला यदुरुना वनुरद वला आकाबिना पावा इद हदानल्लाह। कहा मैं ऐसू की इबादत करूं कि जो नफा दे सकते हैं जो नुकसान दे सकते हैं। इबादत तो मैं उसकी करूंगा जो नफा देगा या नुकसान देने पर कादिर होगा, फी नफ्सी, मैं ऐसू की इबादत नहीं करता। फिर ये मकालमा जारी रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि ये जो सारे चमक रहे हैं क्या ये मेरे माबूद हो सकते हैं? और उन्होंने कहा ला हुब्बुल आफिलीन, जब सारे गुरूब हुए तो कहा मैं डूबने वालों की परस्तिश नहीं किया करता। फिर कभी सूरज को कभी चांद को कहा कि ये मेरा माबूद हो सकता है? यानी बताना ये मकसूद था कि जो चीज जवाल का शिकार हो वो हमारा माबूद और मस्जूद नहीं हो सकती। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इसी कायनात से जो चीजें वो देख रहे थे वो साइंस की बारीकियां वो लोग नहीं समझते थे कि साइंसी दलायल इब्राहिम गहराई में जाके देते, लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इसी कायनात को दलील बनाया अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के वजूद पर। और फिर जब हम कभी साइंस की बात करते हैं, हमारे बाज लोग मजहबी हलकों से इसको अच्छा नहीं समझते कि ईमान बिल गैब होना चाहिए। जब अल्लाह ने हमें ईमान का हुक्म दे दिया तो हमें साइंस से खुदा को साबित करने की क्या जरूरत है? क्या हम कहें कि साइंस की एक एक चीज को आप शहद की मक्खी की खसूसियात बयान करना शुरू कर दें, आप ऊंट की खसूसियात बयान करें, तो जब अल्लाह पर ईमान बिल गैब ही काफी है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर ईमान बिल गैब तो है ही, पर इब्राहिम से बड़ा मोमिन कोई नहीं हो सकता, इब्राहिम से बड़ा मोमिन कोई नहीं हो सकता। मगर इब्राहिम का अंदाज क्या है? इब्राहिम अपने रब से कहते हैं रब आरे नहीं कह तो हयल मौत है, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही ये मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। वो सारा वाकया मैंने आपके सामने शायद पहले बयान भी किया होगा। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह को कोई इस बात पे शुबा नहीं था, लेकिन जब आदमी देखता है उसका दिल और ठंडा हो जाता है। इसलिए अल्लाह जल्ला शानहु ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को सारक व कदाल का नूरी इब्राहिम मलकूत समावाते वल अर्थ वल यकून मिनल मुकिनीन,
कहा हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमानों की सारी बादशाहत बेनकाब करके दिखा दी। क्यों दिखाई? बल यकून मिनल मूकिनीन, ताकि ये ईकान वालों में ये दर्जा इकबाल तक पहुंच जाए। इब्राहिम को अपने रब की अजमत में, उसकी वहदानियत में और उसके नफे नुकसान के मालिक होने में और उसके फायदा और नुकसान देने में और उसके सेहत और बीमारी देने और उसके दुनिया और आखिरत की सातें और बलाइयां देने में इब्राहिम को कोई शुभ नहीं था, मगर फिर भी रब ने दिखाई, जमीनों और आसमानों के राज इब्राहिम को दिखा दिए। वल यकून मिनल मूकिनीन, ताकि इब्राहिम के ईकान और यकीन में और ज्यादा इजाफा हो जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी कायनात के राजों को देखा, इसी कायनात में मुख्तलिफ अल्लाह की अजमतों को देखा, उनके ईमान और यकीन में इजाफा होता गया। मगर अगला मरला जो ज्यादा काबिल तवज्जो है वो ये है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इन चीजों को देख करके ईकान भी पैदा किया, मगर साथ साथ इन चीजों के तरफ मुतवज्जे होकर के उनका जो रब के साथ ताल्लुक था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। अल्लाह ने दौलत हमें भी दी है, अल्लाह ने इल्म हमें भी दिया है। आज दुनिया में न जाने लाखों करोड़ों साइंसदान मुसलसल कायनात के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। इंसान साइंसी आलात के जरिए से जमीन की पिनाइयों में झांक रहा है, समुद्रों की तहों में उसकी निगाह है, फलक की अजमतों में वो घूम रहा है, मगर ये सारा कुछ देखने के बावजूद कितने इंसान हैं कि जिनके दिल को अल्लाह यकीन की दौलत अता फरमाता है। आज का साइंसी इल्म ये बेदीनी की तरफ मायल है, आज का साइंसदान वो इस साइंस के जरिए से इस कायनात को देख करके अल्लाह पर यकीन और एतमाद के बजाय अल्लाह के बारे में तशकीक पैदा करता है, इल्ला माशाल्लाह। मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह इसको देख रहे हैं, देख करके उनके ईमान में और ज्यादा बहार आ रही है। और दूसरा पहलू ये है कि ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने इब्राहिम को दी थी वो आज हमें भी अता फरमाई हुई है। अल्लाह ने इब्राहिम को माल अता फरमाया, आज हमारे बहुत सारे लोगों का माल इब्राहिम खलीलुल्लाह के माल से ज्यादा होगा। आज बहुत सारे लोगों की औलाद, इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने दो ही बेटे दिए थे, हजरत इब्राहिम और इसहाक, हमारे औलाद हमारे बेटे इब्राहिम के बेटों से ज्यादा। अल्लाह ने हमें जो वसाइल अता फरमाए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वसाइल से ज्यादा थे, मगर क्या वजह है, वो कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उसी माल से ही तो काम लिया। अल्लाह ने हमें वजूद अता फरमाए, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना वजूद अल्लाह ने इब्राहिम को भी ऐसा ही वजूद अता फरमाया था अलैहिस्सलाम। लेकिन जो बात इकबाल कहते हैं इब्राहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के बना लेती है सीनों में तस्वीरें। दौलत अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई, बेटे अल्लाह ने हमें भी अता फरमाए, माल व असबाब हमें भी अता फरमाया, मगर कमी किस बात की है? इकबाल कहता है वो इब्राहिमी नजर नहीं पैदा होती। आज लोगों की सारी तमन्नाएं माल और औलाद के लिए सर्फ हो रही हैं। कितने लोग हैं कि जिनकी जिंदगी का मुंतहाय मकसूद ये है कि हम पढ़ें, अच्छी नौकरी करें और अपनी औलाद के लिए अच्छा सरमाया जायदाद बना करके दुनिया से चले जाए। उनकी तालीम और तरबियत में इस बात को अहमियत दी जा रही है कि हमारी औलाद के पास वो फन हो, वो हुनर हो जिससे पैसा ज्यादा आए। उनके अखलाक पर, उनके किरदार पर और उनकी दीनदारी पर, उनकी तरबियत पर कितने लोगों की तवज्जो है? ये काबिले गौर मामला है। पर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब रब से दुआ की तो बेटे की दुआ, मैं बेटे की दुआ नहीं, क्या कहा था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह देना है तो नेक बेटा देना। ये है इब्राहिमी नजर कि औलाद मांगी तो नेक औलाद मांगी। पैसा हमारे पास भी बहुत सारा है मगर ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं है,
यहां पर हम दौलत बनाने की फिक्र में होते हैं, शब रोज दौलत के कमाई में लगे रहते हैं, और फिर वहां के कई लोगों को हमने देखा कि वो तीसरे पर, कई लोगों को मैंने देखा ट्रांसपोर्टरों को तहज्जुद के वक्त उठ के अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर लेते हैं, सफर पे रवाना हो जाते हैं, शब और रोज एक करते हैं, शब बेदारियां हैं। ये बात भी कोई इस्लाम से मुतजाद नहीं है अगर कस्बे हलाल की तलाश हो, मगर साथ साथ इस सारी जुस्तजू में आदमी की नजर रब की रजा पर हो। इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत क्या थी? इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत ये थी कि उन्होंने जब ये सूरज चांद सितारों को सबको देखा तो आखिर में क्या, इन्नी वज्जह को वजिया लिल्लजी फतर समावात वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, कहा ये सारा कुछ तो मैंने देख लिया, मैं अपनी तवज्जो का मरकज उस जात को बनाता हूं जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। हनीफा, मैं हनीफ हूं। अब ये हनीफ का अरबी में तो मानो होता है एक तरफ झुकने वाला, मगर उसका आप आम सा मफहूम ये समझें, आपने कंपास तो देखा होगा, कुतुबनुमा देखा होगा, ये कुतुबनुमा को किसी भी जगह रखें तो उसकी सुई किधर मुड़ती है? शमाल की तरफ। उसको आप जो डायरेक्शन चेंज कर लें जिधर भी रखें, पर कुतुबनुमा की सुई का रुख हमेशा शमाल की तरफ होता है। ये इब्राहिम का अंदाज है। हनीफ उसको कहते हैं कि उसको जिधर भी मोड़े उसकी सुई का रुख रब की जात की तरफ ही होता है। वो तिजारत में है तो उसका रुख रब की तरफ, वो बच्चों को अपनी आगोश में ले रहा है तो नजर बच्चे पे है मगर तवज्जो रब की जात पर है। वो माल कमा रहा है तो माल कमाते हुए उसकी सुई की तवज्जो वो अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ ही है। वो उस्ताद है, वो मुअल्लिम है या मुतालिम है, वो सरमायादार है वो या वो किसान है या ताजर है, जो भी काम कर रहा है उसकी सुई का रुख रब की तरफ ही होता है। ये है माना हनीफ का। कहते हैं ये इब्राहिम हनीफ थे, उनकी तवज्जो हमेशा अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ ही रही, और अल्लाह जल्ला शानहू की ये जो तवज्जो है, अल्लाह जल्ला शानहू कुरान हकीम में इस अंदाज को बड़ा पसंद फरमा रहे हैं। अल्लाह हमसे भी यही मुतालबा फरमाते, फरमाओ मन अहसन दीनन मिम्मन अस्लमा वजहु लिल्लाह, कहा उस शख्स से ज्यादा अच्छा दीन किसका हो सकता है कि जो अपने चेहरे को रब की तरफ मुतवजे कर दे, अपने जबीन को खुदा के सामने झुका दे। वत्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा, और जिंदगी ऐसे गुजारे उसका रुख ऐसे हो जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह का रुख था, जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह का रुख था। और कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अब आप खुद ही अंदाजा करें कोई शख्स हमसे इतनी मोहब्बत करे, दिन को भी हमें याद करे, रात को भी हमें याद करे, उठते भी हमें याद करे, बैठते भी हमें याद करे, हमारे मौजूदगी में भी याद करे, तनाइयों में भी याद करे, तो क्या उसको याद करना ये हमारा अखलाकी फर्ज नहीं बन जाता? और अगर याद ना करेंगे तो क्या होगा? ये एहसान फरामोशी हो जाएगी। ये बंदों के लिए एहसान फरामोशी है, ये बंदों के लिए एहसान फरामोशी है, मगर रब की जात के लिए अल्लाह ने फरमाया कि अपने अखलाक को रब के अखलाक के सांचे में डालो। तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक हमारे लिए आइडियल कौन है? हमारे लिए मखलूक में आइडियल रसूलुल्लाह की जात है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की जात है, और खालिक होने के एतबार से रब की जात हमारी आइडियल है। इस माने में आइडियल है कि रब के अखलाक के आलिया को अपनाना, यही तो इंसान की अजमत है। उसको खलीफे की जरूरत, आदम को खलीफा बनाया, वो हमें कहता है तुम जमीन पर मेरे नायब हो, उसको हम जैसे नायबों की जरूरत क्या है? खलीफा को, खलीफा उसको नायब की जरूरत होती है जो कभी अपने मामलात खुद ना चला सके, तो वजीरों मशीरों और अपने नुमाइंदों की जरूरत होती है, खलीफों की जरूरत है। कहीं गायब हो जाए, छुट्टी पे चला जाए तो दूसरे नायब की जरूरत है, या कभी सो जाए तो फिर जरूरत है। अल्लाह के साथ सारे इन कमजोरियों से पाक है, जब वो सब कमजोरियों से पाक है तो उसको नायब की जरूरत क्या है?
नायब की जरूरत इस माना में है कि इस इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई है कि ये रब के खुल्क का यहां अमली मुजस्मा है। अल्लाह के खुल्क का अमली मुजस्मा है। माफ करने वाली जात तो रब की है, मगर जिस तरह उसके मकबूल बंदों ने मखलूक को माफ किया, उसकी माफी के अंदाज देख करके रब की माफी याद आ जाती है कि इंसान बावजूद के उसको दुख पहुंचे, बावजूद उसको कलम पहुंचे, मगर वो अगर हबीबुल्लाह बंदू को इस तरह दुश्मनों को माफ कर रहे हैं, इनकी माफी को देख के रब की माफी की अदा समझ में आती है। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह अगर वो किसी जब तक मेहमान न हो वो खुद न खाएं तो रब की रजाकियत से याद आती है कि वो रब कितना बड़ा रजाक होगा। इनको माल की हाजत है, मगर हाजत होने के बावजूद जब तक दूसरे को शरीक न करें लुकमा हल्क से नहीं उतारते, वो रब कितना अजीम होगा। ये खुल्क मराद जरूरत है, यही मतलूब है इंसानियत से। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह जल्ला शानहु ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए फरमाया, वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बना लिया। बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर बंदा बंदे से दोस्ती करे और फिर वो उसकी तवक्को भी बढ़ जाती है, जहां मोहब्बतें हैं, जहां एहसानात हैं, जहां उल्फतें हैं, जहां ताल्लुक है, वहां तवक्को भी बढ़ जाती है। गैर से तो हम कभी गिला नहीं करते और गैर से कोई उम्मीद नहीं रखते, मगर अपनों से बड़ी उम्मीद होती है कि मुश्किल में काम आएंगे। अपनों से उम्मीद होती है कि कोई हमारी इज्जत पर हमला आवर हो तो वो हमारे सामने वो सदे राह बन जाएंगे, आखिर वो डहाल बन जाएंगे। अपनों से उम्मीद होती है कि जिनकी खातर हमेशा हम बेचैन रहे, कोई हमें बेचैन करेगा तो उनको भी बेचैनी में वो भी शरीक हो जाएंगे। अब जब बंदों की ये कैफियत है तो जो रब के साथ इतना प्यार करता है, रब कितना प्यार करता होगा। यही बात अल्लाह ने फरमाई कि वो तो इब्राहिम थे ही हनीफ, उनकी तवज्जो हमेशा मेरी तरफ थी, मगर रब ने फरमाया वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने भी इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया है। ये जो लफ्ज खलील है, ये खलील का माना, ये खुल्लस जिसका माने दोस्ती के, खलील का माना दोस्ती करने वाला भी है और खलील का माना वो भी है जिससे दोस्ती कर ली जाए। अब आप अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह जल्ला शानहु ने जो जो नियामतें इब्राहिम को दी तो थोड़ी थी, मगर उन्होंने थोड़ी नियामतों में रब को कैसे राजी कर लिया है। ये अंदाज है इब्राहिम खलीलुल्लाह का और यही मकसूद है इंसानों से कि लोग आरजी अल्लाह की दी हुई नियामतों को ऐसा इस्तेमाल करें कि ये नियामतें दायमी नियामतें बन जाएं। इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे दो ही दिए, मगर जब बेटा मांगा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने देर ना की, मगर उस देर ना करने का नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए उसकी कुर्बानी को बेटा जबा होने के बजाय आसमानों से दुम्बा आया, वहां जबा हुआ। वो तो एक बात गुजर गई, मगर क्यामत तक लोग जब कुर्बानियां देते हैं रब की साथ, उस कुर्बानी की बरकत से हमें इतना सवाब देती है कि फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर बाद में गिरता है, खुदा के यहां पहले कबूल हो जाता है। और जिसकी कुर्बानी के बरकत से हमारे खून में अल्लाह ने हमारे जानवरों की कुर्बानियों को अल्लाह इतना जल्दी कबूल करता है, रब ने उस खलील को क्या मकाम दे दिया होगा। यही बात है, अल्लाह अहले ईमान से यही मुतालबा फरमाते हैं, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह व मुहसिनुन, उससे ज्यादा अच्छा दीन किसका हो सकता है जो अपने चेहरा अपना सर रब के सामने झुका दे। वत्तब मिल्लत इब्राहिम हनीफा, वो इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें जिनका रुख हमेशा अल्लाह की तरफ था और जिनको अल्लाह ने खलील बना लिया। यही अंदाज हयात रब की जात को पसंद है और वो इस अंदाज से कि सारी नियमतें अपने तौर पर हैं, मगर हम में और इब्राहिम की सोच में फर्क क्या था? हम में और इब्राहिम की सोच में फर्क ये है, हम नेमत में खो जाते हैं, इब्राहिम मुनिम में खोए रहते थे। हमें जो नेमत मिली, दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, इख्तदार मिला, माल असबाब मिला, हम माल की ही प्रशंसा करते हैं, हम इख्तदार को ही मकसूद समझते हैं,
मगर इब्राहिम की नजर इन नियामतों पर नहीं बल्कि नियामतें देने वाले पर थी कि जिसने ये नियामतें दी वो नियामतें देने के बाद कहीं इस पे नाराज न हो जाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम की कलील दौलत ने उनको बहुत फायदा दे दिया। इब्राहिम की उमर भर की जिद्दोजहद ने उन्हें बहुत फायदा दे दिया, इतना फायदा दिया कि आज दुनिया के कोने कोने से लोग हाजिर होकर के वहां सीधा रेज भी होते हैं। और इब्राहिम के उस मकाम को जिसके लिए कहा वत्तखदू में मकाम इब्राहिम खलीला, कहा जहां इब्राहिम के पांव का नक्श मौजूद है तुम वहां नमाज पढ़ा करो। जो लोग हज के लिए गए उन्होंने देखा सामने बैतुल्लाह है, अब बैतुल्लाह को सीधा हो रहा है, वहां सारी सरजमीनी पाक है, मगर अल्लाह की जात फरमाती है वो मकाम जो मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम आपने देखा वो मकाम इब्राहिम क्या है, मकाम इब्राहिम वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर के बैतुल्लाह की तामीर करते थे, इब्राहिम के पांव का नक्श उसमें मौजूद है, वो पत्थर आज भी वहां शीशों में महफूज करके मकाम इब्राहिम में रख दिया गया है। कहा तुम मकाम इब्राहिम में अल्लाह के सामने सीधा रेज हुआ करो। इससे यह मालूम होता है कि सीधा तो रब की जात को है, मगर इब्राहिम के कदमों के निशान दरमियान में आ जाए खुदा को यह सजदा और ज्यादा पसंद है। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की अजमत थी। और फिर कुरान में अल्लाह जल्ला शानहू ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 70 मरतबा जिक्र किया है। रसूलुल्लाह का नाम इतना जिक्र नहीं हुआ जितना इब्राहिम खलीलुल्लाह का, मगर इससे यह ना समझा जाए कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की राह कोई और थी, हबीबुल्लाह की राह कोई और है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने जैसे इब्राहिम को खलील बनाया था अल्लाह ने मुझे भी खलील बना दिया है। एक होता है खलील, एक है हबीब। मकाम उल्फत में हबीब का मकाम खलील से भी बुलंदतर है। मकाम उल्फत में हबीब का मकाम ये खलील से बुलंदतर है। यही तो वजह थी कि मस्जिद अक्सा में जब सारे तशरीफ फरमा थे तो जिसको रब ने कहा था इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, इब्राहिम तुम इंसानियत के इमाम हो, आज इंसानियत के अपने दौर के सारे इमाम और इमामुल अंबिया का आज फैसला होना था, तो जो रसूलुल्लाह के मुक्तदियों में इब्राहिम खलीलुल्लाह भी शामिल थे। रसूलुल्लाह की जो इत्तबा है यही इब्राहिम खलीलुल्लाह की इत्तबा है। इसलिए रसूल ने फरमाया मैं इब्राहिम की दुआ हूँ। इब्राहिम ने दुआ की थी कि रब्बना वबस भीम रसूल मिनहुम, या अल्लाह उनमें एक ऐसा रसूल भेजना जो उनका तज़किया करे, उन्हें किताब हिकमत की तालीम दे। लिहाजा आज इस अमर पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है कि हमें नेमतों में नहीं खोना चाहिए, नेमतें देने वालों में खोया रहना चाहिए। आज हमारी बदनसीबी यह है कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं हम नेमतों को ही असल समझते हैं, जिसने नेमत दी हम उसको भूल जाते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन नेमतों को देखते हुए इसके पीछे देने वाले को भी देखते रहें कि जिसने दी थी इन नेमतों को ऐसा इस्तेमाल करें कि वो भी राजी हो जाए, और यही सबसे बड़ी बात है। और इसी के लिए इकबाल ने कहा था बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है। अल्लाह हमें यह नजर अता फरमाए। एक मसला आखिर में तहारत का जो पिछले दफा भी अर्ज किया था, थोड़ा सा उसमें एक इजाफी मसला है तहारत का। जो साहिब उजर शख्स है जिसको वुजू कायम न रहता हो, एक पूरी नमाज का वक्त गुजर जाए तो वो वुजू कायम न रख सके, उसके लिए एक इजाफी मसला यह है कि अगर उसको पता हो कि किसी तदबीर से मेरा उजर दूर हो सकता है तो वो तदबीर जरूर इख्तियार करे। क्या मतलब है? एक शख्स का तजुर्बा यह है कि वो अगर पेशाब करता है तो 5-10-15 मिनट तक पेशाब के कतरात तो निकल सकते हैं, मगर उसके बाद वो तजुर्बा बताता है कि फिर कतरात नहीं खारिज होते। फिर उसको 5-10-15 मिनट जितना उसको यकीन हो उससे 5 मिनट और ज्यादा पहले तहारत करके फिर दोबारा तहारत करके फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ये आदमी भी अगर कोताही करेगा तो ये साहिब उजर शुमार नहीं होगा। साहिब उजर शख्स वो है कि जो पूरी कोशिश के बावजूद उसका उजर उसको मजबूर करे कि एक नमाज का पूरी का वक्त गुजर जाए मगर वो अल्लाह के यहां सीधा रेज न हो सके। ऐसा शख्स अगर कोशिश के बावजूद अगर वो फिर वुजू करके नमाज अदा करेगा अल्लाह उसकी नमाज मंजूर व मकबूल फरमाएगा। वमा अलैना इल्ला सुन्नत अदा।